हेलो भाई, मैं अपंकित। हीरो वालों का हरदम का यही है भाई, मार्केट कितना भी बढ़िया रहे इनकी 125 सीसी गाड़ियां बिकती ही नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा आपको, इसीलिए भाई वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। हमारे इंडियन मार्केट में जिस प्रकार 125 सीसी की बाइक का क्रेज है ना भाई, ठीक उसी प्रकार 125 सीसी स्कूटी का भी क्रेज है, इसीलिए तो बतेरो स्कूटियाँ अवेलेबल है भाई हमारे इंडियन मार्केट में 125 सेगमेंट में। खैर, आज वाला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। आज अपन 125 सीसी की सारी स्कूटी का सेल्स के बारे में जानेंगे। कल मैंने बाइक वाला बताया था, आज आप देख लेते हैं कौन कौन सी स्कूटी कितना बिकी 125 सीसी सेगमेंट में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे और उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइजेस भी जानेंगे और उनमें कितना पावर, टॉर्क, माइलेज, कर्वेट, कलरफुल, टॉप स्पीड मिलता है ये सब भी जानेंगे। तो आप फटाफट वीडियो को शुरू कर दें बिना किसी देरी के। हमारे इंडियन मार्केट में पूरे भाई 11 मॉडल अवेलेबल है 125 सेगमेंट में, स्कूटी वाले सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। तो 12वें नंबर पे आई है हीरो मोटोकॉर्प की मेस्ट्रो 8G। ये गाड़ी भाई इतनी बढ़िया है, इतनी वैल्यू फॉर मनी है, फिर भी भाई इसको कोई नहीं लेता। जून में इसकी 9 यूनिट बिकी है ओनली, बताओ ये हीरो मोटोकॉर्प का नाम ही ऐसा आ रही है ना भाई, जबकि मई में 14 यूनिट बिकी थी, मतलब 5 गाड़ियाँ इसका कम ही बिका है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। ये आपको शोरूम में देखने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि शोरूम वाले मंगाते ही नहीं है, बिकती नहीं है तो क्यों महंगा है। ये 1,03,223 रुपये तक मिल जाती है आपको ऑन रोड। इसमें पावर मिलता है 9 BHP का, टॉर्क मिलता है 10.4 Nm का, 45 KMPL का माइलेज, 111 किलो कर वेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी 90+ आपको टॉप स्पीड इसमें देखने को मिल जाता है। ये एंटोक्स बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है भाई, क्योंकि इसमें भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं लेकिन फिर भी लोग बाग भाव नहीं देते इसको इसके इंजन की वजह से। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करें अगली गाड़ी की, तो 11 नंबर पे आई है एरोक्स 155 है। अब आप बोलोगे भाई तुमने 125 सीसी का दावा करा, अब इसमें 150 सीसी को हिला दिए हो भाई। ये एक लौती 150 सीसी की स्कूटी हमारे इंडियन मार्केट में मैक्सी स्कूटी है, तो इसके लिए तो अलग वीडियो बनाऊंगा नहीं, इसीलिए इसी में इंक्लूड कर दिया। इसकी जून में 1593 यूनिट बिकी है भाई, जबकि मई में 1671 यूनिट बिकी थी, मतलब 78 गाड़ियाँ कम बिकी है एरोक्स 155 की। ये भी अच्छी है लेकिन इसको सिटी में नहीं चला पाओगे भाई, क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है। इसमें आपको पावर मिलता है 14.75 BHP का, क्योंकि R15 वाला इंजन है, 13.9 Nm का टॉर्क है, 40 KMPL का माइलेज, 126 किलो कर वेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 115 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। ये 1,75,212 रुपये तक मिल जाती है आपको ऑन रोड। बाकी 10वें नंबर पे सुजुकी की अवेनिस है, इसकी भाई 2543 यूनिट बिकी है, 2543 यूनिट, जबकि मई में 5970 यूनिट बिकी थी, मतलब 3427 गाड़ियाँ कम बिकी अवेनिस की। ये देखो जब लॉन्च हुई थी तो अच्छा खासा बिक रही थी 10,000 के समथिंग, लेकिन अभी इधर इसका डाउन हो चुका है। ये 94,733 रुपये तक आपको मिल जाती है एक्स शोरूम। पावर मिलता है 8.58 BHP का, टॉर्क मिलता है 10 Nm का, 52 KMPL का माइलेज, 106 किलो कर वेट, 9 कलर ऑप्शन, बाकी 90+ आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी 9वें नंबर पे मेरी फेवरेट स्कूटी फशिनो, ये यामाहा की प्रोडक्ट है, इसकी 9254 यूनिट बिकी है जून में, मई में 9330 यूनिट बिकी थी, मतलब 76 गाड़ियाँ कम बिकी है फशिनो की। ये 96,900 रुपये तक आपको मिल जाती है ऑन रोड। बेस वेरियंट, पावर मिलता है 8.04 BHP का, टॉर्क मिलता है 10.3 Nm का, 50 KMPL का माइलेज, 99 किलो कर वेट, 23 कलर ऑप्शन, बाकी 90+ आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। भाई कभी पैसा हुआ ना तो इसको जरूर ले आऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी लगती है भाई मेरे को एकदम, तो कलरफुल, और हाँ येल्लो कलर में लाएंगे इसको क्योंकि मेरा येल्लो फेवरेट है भाई। खैर बात कर अगली गाड़ी की, तो 8वें नंबर पे डेस्टिनी 125 है। अभी इसकी 11,140 यूनिट बिकी है जून में, जबकि मई में 11,428 यूनिट बिकी थी, मतलब 288 गाड़ियों का गिरावट हुआ डेस्टिनी 125 के सेल्स में। भाई ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट है फिर भी भाई 11,000-10,000 बिक रही है, ये आपको 90,000 तक मिल जाती है, वैल्यू फॉर मनी भी है, क्योंकि 90,000 में आपको 110 सीसी का स्कूटी नहीं मिल रहा आज के डेट में। हीरो वाले 125 सीसी का स्कूटी दे रहे हैं फिर भी इसको लोग खरीद नहीं रहे। इसमें 9 BHP का पावर मिलता है, 10.36 Nm का टॉर्क मिलता है, 45 से 50 के बीच में माइलेज मिल जाता है, 115 किलो उसका कर वेट है, 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 85+ आपको टॉप स्पीड इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी 7वें नंबर पे है DO125। अभी इसकी भाई 16,311 यूनिट बिकी है जून में, जबकि मई में 14,788 यूनिट बिके थे, मतलब 1523 गाड़ियों का इम्प्रूवमेंट, बाप रे बाप है भाई। ये गाड़ी दबा के बिक रही है यार, मतलब जब इसका नाम ग्राजिया हुआ करता था इसको लोग बाग रद्दी पर भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब से डीओ का नाम चिपका है ना भाई इस पर, लोग बाग एकदम पागल हुए पड़े हैं।
भाई अब मैं क्या ही बोलूँ, इंटर मार्केट में पागलों का कमी थोड़ी ना, मैं तो यही बोलूँगा ना, ये 1,30,720 रुपये तक मिल जाती है। इसमें पावर मिलता है 8.16 BHP का, टॉर्क मिलता है 10.4 Nm का, आपको माइलेज 40-45 का मिल जाएगा, 104 के लिए उसका कर्वेट है, 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 85+ आपको टॉप स्पीड देखने को इसमें मिल जाता है। बाकी 6ठे नंबर पर सुजुकी की बॉगमैन, बड़ी बड़ी सी स्कूटी, इसके भी सेल्स में काफ़ी गिरावट हुआ है। जून के महीने में इसकी 15,118 यूनिट बिकी है, जबकि मई में 19,523 यूनिट बिकी थी, मतलब 4,405 गाड़ियों का गिरावट हुआ है बगमैन के सेल्स में। ये भाई 1,11,668 रुपये तक मिल जाती है आपको ऑन रोड। इसमें पावर मिलता है 8.58 BHP का, टॉर्क मिलता है 10 Nm का, 50 mph का माइलेज, 110 किलो कर वेट, 14 कलर ऑप्शन, बाकी 95+ आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है बगमैन में। बगमैन भाई देखो नो डाउट बहुत ही अच्छी गाड़ी है, लेकिन पता है कुछ कुछ चीज़ों की वजह से मार खा जाती है। पहले नंबर तो सर्विस, उसके बाद रिसेल वैल्यू, यही सब की वजह से मार खा जाती है, नहीं तो है काफ़ी तगड़ी गाड़ी। खैर अब आते हैं टॉप 5 में, 5वें नंबर पे रेज 8R, ये यहाँ की प्रोडक्ट है, फसीनो वाला ही इंजन इसमें है भाई। जून में इसकी 15,184 यूनिट बिकी है, मई में 13,794 यूनिट बिकी थी, मतलब 1,390 गाड़ियों का इंप्रूवमेंट हुआ है रेज 8R के सेल्स में। ये 1,03,014 रुपये तक मिल जाती है आपको ऑन रोड। इसमें पावर मिलता है 8.04 BHP का, टॉर्क मिलता है 10.3 Nm का, 51 mph का माइलेज, 9 किलो कर वेट, 12 कलर ऑप्शन, बाकी 90+ आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है रेज 8R में। ये भी ठीक लगती है भाई, लेकिन उतना भी ठीक नहीं लगती मेरे को, हालांकि लोग बाग इसको पसंद करते हैं, तभी तो 15,184 यूनिट में की है भाई। खैर 4थे नंबर पे एंटॉर्क है, ये तो आज के यूथ के लिए इतनी वरदान गाड़ी है ना भाई, पूछो मत, 27,812 यूनिट बिकी है, बाप रे बाप, जबकि मई में 29,253 यूनिट बिकी थी, मतलब 1,441 गाड़ियाँ कम बिकी एंटॉर्क की। इतना चलता है भाई, अगले महीने देखना ये इंप्रूवमेंट कर लेगी। ये अपने को 1,17,872 रुपये तक मिल जाती है आपको, बेस वेरियंट है। पावर मिलता है 9.25 BHP का, टॉर्क मिलता है 10.5 Nm का, 41-42 का माइलेज, 118 किलो कर वेट, इतने सारे कलर ऑप्शन, बाकी 95+ आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है इसमें। बाकी तीसरे नंबर पे आई है हमेशा की तरह एक्सेस 125, इसकी भाई 52,192 यूनिट बिकी है, जबकि मई में 64,812 यूनिट बिकी थी, मतलब 12,620 गाड़ियों का गिरावट, बाप रे बाप है। ये 95,918 रुपये तक मिल जाती है आपको ऑन रोड। इसमें पावर मिलती है 8.6 BHP का, 10 Nm का टॉर्क है, 45 mph का माइलेज, 103 किलो कर वेट, 17 कलर ऑप्शन, बाकी 90+ आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है भाई। सुजुकी वालों का एक्सेस ही इज्जत बचाती है इंडियन मार्केट में, अगर एक्सेस ना बिके ना तो ये लोग कब का छोड़ के भाग जाते हैं इंडिया को। खैर दूसरे नंबर पे है TVS की जुपिटर 125, इसकी भाई 72,100 यूनिट बिकी है जून में, जबकि मई में 75,838 यूनिट बिकी थी, मतलब 37-38 गाड़ियाँ कम बिकी है जुपिटर 125 की। ये 99,670 रुपये तक मिल जाती है आपको, बेस वेरियंट है। इसमें पावर मिलते हैं 8.04 BHP का, 10.5 Nm का टॉर्क है, 48 mph का माइलेज, 108 किलो कर वेट, 9 कॉलर ऑप्शन, बाकी 95+ आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। देखो जुपिटर 125 नो डाउट बहुत ही अच्छी गाड़ी है, अच्छा भागती है भाई, क्योंकि मैंने चला रखा है, लेकिन पता है इसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा मतलब मज़ेदार नहीं है भाई, मैं यही कहना चाहूँगा। हालांकि किसी किसी को बढ़िया गाड़ी मिल जाता है, लेकिन किसी किसी को इतना बेकार मिलता है ना, वो परेशान हो जाते हैं भाई। खैर बात करें अगली गाड़ी की, तो नंबर 1 पे आई है एक्टिवा 125, इसकी भाई 2,33,376 यूनिट बिकी है जून में, जबकि मई में 2,16,352 यूनिट बिकी थी, मतलब 17,024 गाड़ियों का इंप्रूवमेंट हुआ एक्टिवा के सेल्स में। ये 97,276 रुपये तक मिल जाती है आपको ऑन रोड। इसमें पावर मिलता है 8.19 BHP का, 10.4 Nm का टॉर्क है, 46 mph का माइलेज, 110 किलो कर वेट, 6 कलर ऑप्शन, 90+ आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। तो यही कहानी है भाई 125cc की सारी स्कूटर का। और हाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने आपको जुपिटर का जो सेल्स बताया उसमें जुपिटर 110 का भी इंक्लूड है, जो एक्टिवा का सेल्स बताया उसमें एक्टिवा 6G का भी इंक्लूड है। आई होप आप सभी को इस वाले वीडियो में मजा आया होगा। बाकी यहाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना भाई, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ हरदम हर महीने का। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय सभी को।